अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को डिस्कस करना है। दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे सिलेबस में ह्यूमंस के रेफरेंस से शामिल है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो लेक्चर का आगाज इंट्रोडक्शन से करते हैं और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी का वर्ड हमें बताता है कि कोई चीज़ है जिसका ताल्लुक रेस्पिरेशन के साथ है, और पिगमेंट जो है ये कलर्ड मालिक्यूल को कहते हैं, कलर्ड कंपाउंड को कहते हैं। बायो में एक बहुत मशहूर जो पिगमेंट है वो आप पहले से पढ़ चुके हो, जानते हो, दैट विच इज अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को आपने नाम देख रखा है फोटो पिगमेंट का। क्लोरोफिल को फोटो पिगमेंट में फोटो इसलिए दिया कि वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और पिगमेंट इसलिए कि क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है। बात बताने का मकसद ये है कि पिगमेंट आपके लिए कोई नया वर्ड, नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पिगमेंट कलर्ड मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं, इनका रोल, इनकी कंट्रीब्यूशन रेस्पिरेटरी प्रोसेस में है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी एक जगह से ऑक्सीजन ली और दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुँचा दी। अगर ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन इनके साथ फिर रिवर्सिबली बाइंड करनी चाहिए। ये ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करते हैं, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिसाल के तौर पे पिगमेंट को ए से रिप्रेजेंट कर दें हम, ऑक्सीजन एक जगह पे पिगमेंट के साथ कंबाइन हो ना, तो अगर ये जो बाइंडिंग है ये इरिवर्सिबल हो तो ऑक्सीजन फिर दूसरी जगह पर जाकर इससे कभी अलग नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर इसने एक्ट करना है तो ज़रूरी है कि किसी और बॉडी की जगह पर जाके यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाए, और ऑक्सीजन अगर अलग करना है तो ऑक्सीजन की ये जो बाइंडिंग है ये फिर रिवर्सिबल होगी, क्योंकि ऑक्सीजन अनबाइंड भी तो हो रहा है, वहाँ से अलग भी तो हो रहा है, डिटैच भी हो रहा है। तो अगर इन्हें ऑक्सीजन कैरियर्स के तौर पर एक्ट करना है, जो कि ये करते हैं, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन के साथ इनकी जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल है। जितने भी स्टूडेंट्स बायो में इस वक्त हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मालूम है, उन तमाम के अंदर एक नॉन प्रोटीन पोर्शन मौजूद होता है। देखिए बच्चे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के स्ट्रक्चर में बात करें तो दो हिस्से हो गए, एक प्रोटीन का बना हुआ और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट। वो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, नॉन प्रोटीनियस पोर्शन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, वो यूजली कलर्ड होता है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो इसमें जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट जो है ये इंडिकेट करता है प्रोटीनियस पार्ट को। यहाँ पे जो है वो फोर पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो है वो मौजूद हैं जिनसे ये ग्लोबिन पार्ट बना हुआ है, आगे हमने उसको देखना भी है। और जो हीम पोर्शन है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट हीम ये कलर्ड है, रेडिश कलर का होता है। यही वजह है कि इस हीम जो पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन जो है, रेडिश पोर्शन जो है हीमोग्लोबिन का, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेडिश नज़र आती है। हीमोग्लोबिन के रेडिश होने से रेड ब्लड सेल्स रेड हैं, और ब्लड में चूँकि रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लिहाजा ओवरऑल जो ब्लड है वो रेडिश अपेयर होता है। जब ह्यूमंस की बात की जाए तो दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में है, एक हीमोग्लोबिन और एक मायोग्लोबिन, इनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आगाज़ लेते हैं हम हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, इसका जो जनरल कंटेंट है बुक में दिया गया है उसको मैंने तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक में अक्रेंस, एक में स्ट्रक्चर और एक में रोल। फिर बुक में एक टेबल दिया गया है दोनों के कंपैरिजन का, उस टेबल में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, उसको मज़ीद बेहतर किया है आपके लिए, तो उसको भी एंड पर देखेंगे। लेकिन पहले जनरल हीमोग्लोबिन की अक्रेंस, स्ट्रक्चर और रोल देख लें, और मायोग्लोबिन में भी यही तीन एडिंग्स बनेंगी। सबसे पहले है स्टूडेंट्स अक्रेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपको अपनी बॉडी में कहाँ मिलता है? आपको हीमोग्लोबिन मिलता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। जहाँ तक बात स्ट्रक्चर की है, तो ये चैप्टर नंबर 2 था जो फर्स्ट ईयर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें भी हम ये सीख के आए, पढ़ के आए कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, ये फोर चेन से मिलकर बना है। इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए याद रखिएगा कि एक तो ग्लोबिन पार्ट है जो प्रोटीन पार्ट है, फिर फोर चेन से ये मिलकर बना है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो हीम पार्ट है, और हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट में
एक मेटल मौजूद है विच इज़ आयरन। स्टूडेंट्स ये आयरन भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज़, आगे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें हीम को आपने टिक जो है वो करना है। अब अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन में जो मौजूद नंबर ऑफ फोर प्रोटीन चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो उसमें से दो चेन्स अल्फा चेन्स कहलाती हैं और दो चेन्स जो हैं वो बीटा चेन्स कहलाती हैं। एक और चीज़ जो एमसीक्यू के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर्स में भी उसका जिक्र हुआ, वो ये कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में किस हिस्से के साथ बाइंड करती है, तो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हीम के साथ जुड़ेगी और हीम में किसके साथ, आयरन के साथ। तो आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एक और जो आपने याद रखना है। इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक तो ये बताइए कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ अटैच होती है, हीम पार्ट के साथ, ग्लोबिन पार्ट के साथ, दोनों के साथ, या दोनों के साथ अटैच नहीं होती। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है हम तो जानते हैं, लेकिन उसमें फिर हीम ग्रुप के साथ अटैच होगी। और हीम ग्रुप में भी किस हिस्से के साथ, हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन मौजूद है उसके साथ अटैच होती है। क्योंकि बच्चे ऊपर हमने बात की ना कि फोर चेन्स हैं, हर चेन के अंदर एक आयरन का जो एटम है वो मौजूद है। चार चेन्स हैं, दो अल्फा दो बीटा, हर चेन के अंदर स्टूडेंट्स एक आयरन का एटम जो है वो मौजूद है, तो वन एटम ऑफ एफ ई। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो फिर कि अच्छा इसमें नंबर ऑफ चेन्स जो हैं वो फिर फोर हैं, और फोर चेन्स हैं फिर हर चेन के अंदर एक आयरन है, तो फिर फोर एफ ई एटम्स हो गए। फिर ये भी कि एक जो एटम है आयरन का उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू वन आयरन एटम। तो इसका मतलब है कि फोर अगर आयरन के एटम होंगे तो जो फोर आयरन एटम है वो फिर फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो कैरी करेंगे। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में चूँकि फोर आयरन के एटम्स मौजूद हैं, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा सीखा कि पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फोर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, या एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो ये चीज़ भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आपको बताया कि दो अल्फ़ा चेन्स हैं, दो बीटा चेन है, ये अल्फ़ा एक चेन, ये दूसरी चेन, ये एक बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन, तो दो अल्फ़ा दो बीटा चेन, टोटल फोर चेन्स हो गई। अगर आप देखो तो हर चेन के अंदर आपको हीम ग्रुप नज़र आ रहा है और हीम ग्रुप के अंदर आपको आयरन एटम जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो ये एक हीम ग्रुप और उसमें आयरन, यहाँ पे एक दूसरा हीम ग्रुप है, यहाँ तीसरा हीम ग्रुप है, ये चौथा हीम ग्रुप, हर हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन का एटम जो है वो मौजूद है। और रोल जो है हीमोग्लोबिन का वो डिस्कस करते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके, वही चीज़ रिपीट होगी कि ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम है हीमोग्लोबिन का लंग से बॉडी टिश्यूज तक, और जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है जैसे कि लंग्स हैं, वहाँ पे ये पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी ऑक्सीजन का रिजल्टिंग पार्शियल प्रेशर कम होता है जैसे कि टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो क्विकली सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मायोग्लोबिन की तरफ, इसमें भी यही तीन एडिंग्स जो हम लेंगे। नंबर वन है स्टूडेंट्स अक्रेंस। तो मायोग्लोबिन जो है ये स्केलेटल मसल्स में, हमारे ह्यूमन के जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें मायोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। इसको आप एक एमसीक्यू के तौर पर याद रखेंगे। और ये जो मायोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, इसमें भी चूँकि आयरन मौजूद है, आयरन होने की वजह से मायोग्लोबिन रेडिश है, और मायोग्लोबिन रेडिश होने की वजह से जो मीट है ये रेडिश अपेयर होता है। आप जानते हो ना कि जो गोश्त है, मीट है, वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल ही होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं। जो गोश्त है उसमें स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं, और जो गोश्त हमें रेडिश नज़र आता है उसकी वजह कि उसमें स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद है, इसलिए उसकी पूरी जो अपेयरेंस है वो रेडिश जो है वो नज़र आती है। जहाँ तक बात स्ट्रक्चर की है जो मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, तो स्टूडेंट्स उसमें ये मायोग्लोबिन जो है अनलाइक हीमोग्लोबिन, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। हीमोग्लोबिन में फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स,
तो मायोग्लोबिन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है और उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन में स्टूडेंट एक ही आयरन का एटम जो है वो मौजूद है, वन आयरन का एटम जो है वो उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद है और उसी आयरन एटम के साथ स्टूडेंट जो है वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल बाइंड करेगा मायोग्लोबिन के केस में भी। और ये जो आयरन है, क्योंकि ऊपर आपको बताया हीमोग्लोबिन के केस में भी कि एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, तो यहाँ पे मायोग्लोबिन में तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें एक ही आयरन का एटम है, तो मायोग्लोबिन जो है वो एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैरी कर सकता है, पर मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैरी होता है। जहाँ तक बात इसका रोल की है, कंट्रीब्यूशन की है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा बेटर वर्ड जो है मायोग्लोबिन के लिए वो ऑक्सीजन स्टोरेज का है और ये लिंकेज के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड द मसल टिश्यूज़। अभी इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो जैसे पहला पार्ट है रोल का, पहला सेंटेंस, कि जो मायोग्लोबिन है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर एक्ट कर रहा है। इंटरमीडिएट कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो दो के दरमियान में, बीच में आ रहा हो, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। किन के दरमियान में ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? एक है हीमोग्लोबिन और दूसरा है स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि मसल सेल्स में हो रही है। तो मसल सेल्स और हीमोग्लोबिन या एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन और हीमोग्लोबिन के दरमियान में या हीमोग्लोबिन और मसल सेल्स के दरमियान में ये जो मायोग्लोबिन है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर एक्ट करती है। यानी हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो किसको मिला? मायोग्लोबिन को, और मायोग्लोबिन से ज़रूरत पड़ने पर वो ऑक्सीजन मिल जाता है मसल्स के ऊपर। याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिला वो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन वो अपने साथ अटैच रखती है। मायोग्लोबिन वो ऑक्सीजन तब ही मसल सेल्स को देगी जब ज़रूरत होगी। ज़रूरत कब होती है? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब होती है? जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपके स्केलेटल मसल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो उस केस में जो स्केलेटल मसल्स हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन उस हिसाब से स्केलेटल मसल्स तक मिल नहीं पाती हीमोग्लोबिन की नतीजे में। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जो मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी कर रखी होती है हीमोग्लोबिन से जो ले रखी होती है, तो इस सिचुएशन में इसी सिचुएशन में जो मायोग्लोबिन है वो अपनी उस ऑक्सीजन को स्केलेटल मसल्स को दे देती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि फिर जो मायोग्लोबिन है वो एक्चुअल में ऑक्सीजन स्टोरेज का जो रोल है वो प्ले कर रही है मसल सेल्स के अंदर। यही चीज़ आपको नीचे मिलेगी। तो मायोग्लोबिन जो है जिसने ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लो हो जाए, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन बहुत कम है और ऑक्सीजन नॉर्मल से भी कम है। यही वजह है कि फिर स्केलेटल मसल्स में मायोग्लोबिन को अपनी ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ेगी ताकि जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में मदद की जा सके। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है इन रेस्टिंग सेल्स। क्यों ये लिखा कि स्टोर्स ऑक्सीजन इन रेस्टिंग सेल्स? रेस्टिंग मसल सेल्स हैं कौन से? रेस्टिंग मसल सेल्स वो हैं जो कि कोई मस्कुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये यूँ कह लो कि जो कोई जो उनकी हार्ड जॉब है एक्सरसाइज में उन्होंने जो बहुत ज़्यादा काम करना होता है उस सिचुएशन में वो नहीं है, वो नॉर्मल मौजूद है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, नॉर्मल आप बाजू इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो कुछ चीज़ पकड़ ली, कुछ लिख लिया, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है। ये ऑलमोस्ट हम यही कहते हैं कि मसल ऑलमोस्ट रेस्टिंग में है, थोड़ा बहुत ही तो काम कर रहा है। तो ये रेस्टिंग मसल की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो तो हीमोग्लोबिन से पूरी हो रही है,
गड़बड़ वहाँ होती है जब आप कोई हार्ड जॉब करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कोई स्पोर्ट करते हो जिसमें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ गड़बड़ होती है। वहाँ हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर पाता, तो उसका नतीजा जो है वो इस सूरत में निकलता है कि मसल सेल्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 20 mmHg से ड्रॉप हो जाता है। लिहाजा इस सूरत में मायोग्लोबिन ने जो ऑक्सीजन कैरी कर रखा होता है वो रिलीज कर देता है। तो नॉर्मल जो रेस्टिंग मसल्स हैं, रेस्टिंग मसल्स में तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो 20 mmHg से ज़्यादा होता है। तो जब 20 mmHg से रेस्टिंग मसल्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, वो उसके साथ अटैच रहता है। तो मायोग्लोबिन रिलीजेज द ऑक्सीजन ओनली व्हेन द सप्लाईज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैव बीन एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट होने का मतलब है ख़त्म हो गई है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो सप्लाई है, यानी हीमोग्लोबिन की जो डिमांड है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है हीमोग्लोबिन से मसल सेल्स में, वो पूरी नहीं हो रही है, तो मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ए की पॉलीपेप्टाइड चेन आपको नज़र आ रही है, और उसमें जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप है और सेंटर पे जो आयरन आइटम मौजूद है। अब है कंपैरिजन हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का। अब ये बुक वाला ही जो टेबल है वही है, थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई किया है। इसमें एक और कॉलम मैंने जो है वो लगा दिया, और वो फैक्टर का कॉलम है, क्योंकि अगर 5 नंबर का 6 नंबर का 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कंपैरिजन पूछ ले, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी हो तो भी, अगर आपको टॉप करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपका आंसर एक नॉर्मल और आम बच्चे से थोड़ा सा हट के होना चाहिए। तो बुक से थोड़ा सा आगे मैंने बात कर ली और एक तीसरा कॉलम बना लिया फैक्टर का, ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें वही हैं। पहला फैक्टर है कि नंबर ऑफ चेन्स, तो हीमोग्लोबिन में देखा कि 4 चेन्स हैं, मायोग्लोबिन में जो है वो 8 चेन है पॉलीपेप्टाइड की। हीम ग्रुप्स की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन में चूँकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो लिहाजा 4 हीम ग्रुप हैं, और हर हीम ग्रुप के अंदर 1 आयरन है, तो 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स हैं वो पर हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है। मायोग्लोबिन में जो है वो एक जो मायोग्लोबिन का मालिक्यूल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर 1 ही आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप जो है वो मौजूद है, 1 हीम ग्रुप पर मालिक्यूल। ऑक्सीजन कैपेसिटी की बात की जाए तो जाहिर है हीमोग्लोबिन जो है उसमें चूँकि 4 आयरन एटम्स पर मालिक्यूल मौजूद हैं, लिहाजा हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कैरी कर सकता है पर मालिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कैरी होते हैं। मायोग्लोबिन के केस में 1 मायोग्लोबिन का मालिक्यूल सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन मालिक्यूल कैरी करता है, वजह उसके पास 1 आयरन एटम मौजूद है। अक्रेंस ये देखा कि जो हीमोग्लोबिन है RBC में, रेड ब्लड सेल्स में, तो मायोग्लोबिन जो है वो स्केलेटल मसल्स में। जहाँ तक रोल की बात है तो थोड़ा सा वैरी करता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को मसल सेल्स में स्टोर करना। ऑक्सीजन एफिनिटी की बात जहाँ तक बात है कि ऑक्सीजन किस के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है या जल्दी अटैच होता है, तो जहाँ तक बात हीमोग्लोबिन की है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम है। यही वजह है कि जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर पे, यानी मायोग्लोबिन के हिसाब से, मायोग्लोबिन तो 20 mmHg से नीचे जब पार्शियल प्रेशर होगा तो ही रिलीज़ करेगा ना अपना ऑक्सीजन, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो 20 mmHg से ऊपर ही अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो यही वजह है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रिलेटिवली कम है, और जो मायोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है। और इसी बात के साथ जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है ऑक्सीजन रिलीज का, तो जो हीमोग्लोबिन है ये अपना ऑक्सीजन रिलीज करते है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mmHg हो, और दूसरी तरफ आप देखो तो जो मायोग्लोबिन है वो 20 mmHg ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस पर ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। इसलिए ऊपर वाले पॉइंट पे हमने कहा कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम है रिलेटिवली, और जो मायोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी खासी ज़्यादा है कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन का प्रेशर जब लो हो 20 mmHg तब जाकर मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आपने पूछ लेनी है, आपको आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।